काला कद्दू, जाओ सब्जी लेके आओ। कोई काम नहीं करता है, कुड़िया कहीं का सारा दिन बैठा रहता है। हाँ हाँ जा रहे हैं सब्जी लेने, खाली घर में बैठो थोड़ा देर आराम करने के लिए तो तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाता है। सब्जी लाओ, ई लाओ, ऊ लाओ। कभी होता है गोरा कद्दू को कुछ बोले, वो देखो उसको घर में अच्छा से पाल के रखी हो, बढ़िया बढ़िया क्रीम लगाती है तो गोरा है, चिकना है। हम देखो धूप में घूम घूम के काला हो गए, तुम चाहती और काला कल उठा हो जाए। आज हम नहीं जाएंगे, भेजो गोरा कद्दू को। जाता है कि बुलाए तुम्हारे बाप को? हाँ हाँ जा रहे हैं, जा रहे। जब देखो बाप का ही धमकी देती रहती हो। ई का लिखा है दीवार पर, अगर आपके फोन में वायरस है तो नॉक्स सिक्योरिटी ऐप को डाउनलोड करें और इसके स्कैन फीचर का यूज करके अपने वायरस का सफाया करें। और अगर आपका फोन थोड़ी थोड़ी देर में हैंग करता है और स्लो चलता है तो इसके मेमोरी बूस्ट ऑप्शन का यूज करके उसको फास्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी फोन थोड़ी थोड़ी देर में हीट होती है तो इसके सीपीयू कूलर ऑप्शन का यूज करके अपने फोन के टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं। और भी इसमें कई सारे फीचर्स हैं। अरे साला बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, हम अभी तुरंत डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आप लोग को भी डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। साला फोन के लिए इतना बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन बनता है जिससे वायरस को हटाया जा सके, लेकिन रियल जिंदगी में ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जिससे अपना परिवार का वायरस को हटाया जा सके। हमारा भी घर में कई सारा वायरस भरा हुआ है, जैसे हमारा वो पागल बाप और वो हमारा सुअर भाई, दोनों को हमको हटाना है, सफाया करना है। ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है साला। अरे कौन है तुम जो इधर घुसे आ रहा है, कौन है तुम? साला पागल का बच्चा, अपना भाई को नहीं पहचान रहे तुम? अरे हाँ तुम तो काला कद्दू है, तुम तो पहले काला था, अब तो काला कलूटा हो गया, पहचाने में नहीं आ रहा है तुम। ये सब होता है तुम्हारे कारण और तुम्हारी माई के कारण। साला तुम कभी नहीं जाता है कुछ लेने के लिए, हमेशा हमको जाना पड़ता है और माई भी हमेशा हम ही को हुक्म देता है। तुमको बेटा इतना घर में पाल पोस के रखा है, क्रीम लगाता है तभी तुम गोरा। तुमको सब लड़की देखता है, हमको कोई नहीं देखता है, हम सब लड़की को खाली देखते रहते हैं। देखना माई तुम जैसा हमसे कर रही हो ना व्यवहार, देखना गोरा कद्दू का बढ़िया से शादी होगा, बढ़िया लड़की से होगा, लेकिन हमारा तुम देखना काला कलूटी से तुम शादी कराओगी। साला इतना गर्मी बरस रहा है, बाहर आग निकल रहा है, दुकानदार लोग दुकान नहीं खोल रहा है, तुम गर्मी में भेजी हो सब्जी लाने के लिए, दो दिन नून रोटी के साथ नहीं खा सकती हो। ए गोरा कद्दू एसी का नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है। अरे लाइट नहीं है तो कहाँ से चलेगा एसी, बुरबक कहीं का। ये लाइट वाला लोग का यही हाल रहता है, जब ज्यादा गर्मी होता है ना तो लाइटें काट लेता है साला, सब पागल का औलाद। अरे गोरा कद्दू जा एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक ले हमारे लिए। और तुम्हारा भाई कहाँ है काला कद्दू? जी पापा जी, काला कद्दू नहाने गया है पापा। अरे वो कितना नहाता है दिन भर में, उसको बोलो ज्यादा साबुन रगड़ने से कौवा बगुला नहीं बन जाएगा। ताला खाली पानी का बर्बादी करता है, गर्मी में एक तो ऐसे पानी नहीं मिलता है, वो पानी का बर्बादी कर रहा है। साला कितना भी कुत्ता का पूछ को सीधा कर लो, कभी सीधा नहीं होगा, वापस घूमिए जाएगा। अरे गोरा कद्दू ही कौन है जो हमको कुत्ता बोल रहा है, कौन है करिया तुम? पापा ये तो काला कद्दू है। अरे ये कहाँ देख रहे हम, ये देखो पहले तो काला था रे तुम, अब तो कलूठा हो गया रे तुम, काला कलूठा करिया कहीं का। हम साला सोचे तुम इतना नहा रहा है साबुन से रगड़ रगड़ के कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा ही परिवर्तन हो गया। और एक मिनट, ऐसे तुम अपना बाप को कुत्ता कैसे बोले? हम कहाँ कुत्ता बोले आपको, हम तो लाइट वाला लोग के लिए बोल रहे थे कि वो लोग लाइट नहीं देता है गर्मी में। अब आप अपने आप को समझ लिए तो इसमें हमारा का गलती है। और रहा बात हमारा गोरा होने का, तो कैसे होंगे गोरा? सारा दूध मलाई छाछ तो खिलाते हैं गोरा कद्दू को, हमको सिर्फ मिलता है बाहर का ठोकर। तुम तो साले एहसान फरामोश है रे, एक तो 6-7 रोटी अकेला खाता है एक टाइम पे भैंस के तरफ, ऊपर से जबान लगाता है कि गोरा कद्दू को हम लोग दूध और मलाई खिलाते हैं, अपने साला चाट चाट के खा लेता पहले ही, हम लोग बचा खुचा खाते हैं उसमें भी तुमको जलन होता है कि हम लोग काय खाते हैं, साला भैंसिया कहीं का। तुम साला भैंसिया का बच्चा कैसे बोलता है लोग, तो दो टाइम भैंसिया का दूध पीते, हमसे ताकत का बात नहीं करना। आप बहुत गलत बात कर रहे, हमसे बोल दिए हमारा मुंह खुल जाएगा। और ऐसे आप मम्मी को कैसे बोले भैंसिया, बुलाए का मम्मी को, सब पता चल जाएगा भैंसिया कौन है, एकदम बैठ गया ना शरीर पर आपका, तो सब क्लियर हो जाएगा आपका मामला यहीं पर। अच्छा रहने दो, एक तो साला ऐसे ही गर्मी है, माता गर्म है, ऊपर से तुम टेंशन अलग दे रहा है, ज्यादा बोलोगे तो मार देंगे दूथा, बस रोने लगोगे चल के, चलो छत पे बिछाना बिछा सोएंगे। ये भी काम हमको दीजिएगा, गोरा कद्दू को कुछ मत दीजिएगा, वो खाली सोने के लिए पैदा हुआ और खाने के लिए पैदा हुआ है। हाँ तो जो काम जिससे होगा उसको बोलेंगे ना, होशियार लोग को ही बोला जाता है कोई काम। हाँ हाँ हमको चना का झाड़ पे मत चलाइए, खाली होशियार बोल बोल के हम ही से सारा काम कराइए, हम इतना बुड़बक नहीं है, सब समझते हैं आपका पैतरा। हाँ तो इसका मतलब तुम होशियार नहीं हो, गोरा कद्दू होशियार है, तुम बुड़बक हो, बोलो। हाँ हो बुड़बक, हाँ है हम बुड़बक, है बुड़बक, हमको
हाँ तो कितना दिन तक और बुड़बक रहोगे? कब चालाक बनोगे तुम? कब चालाक बनोगे? इतना उम्र हो गया, अभी तक बुड़बक का बुड़बक हो, तभी ना तुमको काम देते कि करो, चलो उठा के ले जाओ सब बिछाना, ऊपर बिछाओ, तभी ना चालाक बनोगे, आगे जाके सक्सेस करोगे। बढ़िया बुड़बक बनाए हैं पप्पा तुमको, अब देखिए हम आपके साथ क्या करते हैं। साला बहुत मच्छर काट रहा है, नीचे ऊपर सब जगह काट रहा है, लाल हो गए पापा। देखिए पैंट खोल रहे, देख लीजिए कहाँ कहाँ काट लिया है। आपको कितना बोलते हैं मच्छरदानी लेके आने, नहीं लेके आते, खाली पैसा बचाते, कहाँ लेके जाइएगा इतना पैसा। अरे चुप करके सो जा भाई, तुम्ही को मच्छर काट रहा है, हम लोग को नहीं काट रहा है। आपको कैसे मच्छर काटेगा, शरीर से इतना दुर्गंध आता है साला, मच्छर बगल में भटकेगा तो मर जाएगा, यहाँ तक हमको साला दुर्गंध आ रहा है, इसीलिए तो आपके साथ हम सोते नहीं है कभी भी। ये तो मजबूरी है, लाइट नहीं आके सोना पड़ रहा है हमको, इतना बदबू आ रहा है। कहा खाते हैं आप काला कद्दू? हमको तो बहुत मजा आ रहा है छत में सोने में, हमको तो अपना मच्छर दानी भी, हम उसमें सोए हुए। तुम्हारी तरह थोड़ी ना पापा से डिमांड रहते हैं, तभी ना तुमको पापा कुछ नहीं लाके देते, हमको तो लाके दिए ना मच्छर दानी। चुप रहो तुम गोरा कद्दू, पापा का चमचा कहीं का, जो बोलेंगे उसमें मुंडी ला देगा साले। तुमको सब माल मलिदा जो मिल रहा है, तभी ना तुम्हारा सब चीज में हाँ हाँ चलते रहता है। हम तुम्हारी तरह नहीं है चापलूस, हाँ तुम हमारी तरह हो भी नहीं सकता है फटीचर आदमी। रुको हम छोड़ेंगे नहीं तुम दोनों को, तुम दोनों बाप बेटा से हम बदला लेकर रहेंगे। ओए बच्चिया जा लूडो ले आ, खेलते हम लोग बैठ के, अभी नींद नहीं आ रहा, चलो टाइम भी पास होगा। साला टकला नेता भी छत पर आया है, वो भी अपनी बेटिया के साथ, उससे भी पंगा हमारा बहुत चलता है, उससे भी आज बदला लेंगे, अपना बाप से भी लेंगे, और ये सारा सुअर गोरा कद्दू से भी हम बदला लेंगे, तीन लोग को साला उलझाएंगे आपस में। अरे तुम पागल है साला, हम तुमको कब पत्थर मारे? अरे तो पत्थर मारता ऊपर तुमको पागल बोलता, रुक बेटा तुम ले। हमको पत्थर मारता है काला कद्दू, तुम भी मारो टकला नेता को पत्थर, मारो उस टकला नेता को पत्थर। हम नहीं मारेंगे आपके चक्कर में, हम सबसे दुश्मनी नहीं लेंगे, आप अपना झमेला अपने समझिए। अरे तुम तो साला निकम्मा है, तुमसे कोई काम आज तक हुआ है? हम गोरा कद्दू से बोलेंगे ये बात। ए बेटा गोरा कद्दू उठो, देखो टकला नेता को पत्थर मारा, मारो साले को पत्थर। क्या बात करे पापा, टकला नेता को पत्थर मारा, छोड़ेंगे नहीं आज हम उसको, ये टकला नेता पत्थर। अरे फिर पत्थर चलाया अपना घर के तरफ, फिर पत्थर चलाया, रुक बेटा तुम, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, रुक पी ले। हमसे सबको पंगा लिया था ना, सबको उलझा दिए ना, हमारा नाम है काला कद्दू, हरामी काला कद्दू, चिंते हो कि नहीं?